आम सह अच्छा गुंजर सीईओ फाउंडर अंशु गुप्ता स्वागत करवा कार्यक्रम को कथा हवा मन खोलिकी सर नमस्ते स्वागत है आपका अर्गस न्यूज में। गुंज की शुरुआत कब कहाँ कैसे? 98 में मैंने जॉब छोड़ा था और तब इनफॉर्मली शुरू हुआ था और पता नहीं था क्या कर रहे हैं। 99 में फॉर्मली हम लोग मान के चलते हैं 18 फरवरी को जब रजिस्ट्रेशन हुआ था। उससे पहले टूबी हमें ऑनेस्टली ये भी नहीं पता था कि इसका कोई रजिस्ट्रेशन कराना होता है। नहीं, एक अच्छा खासा जॉब था आपका, वेल नोन जॉब, अच्छा सैलरी, तनख्वाह बहुत अच्छा था। इसके बीच परिवर्तन कैसे कि कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट करना है और लोगों के लिए कुछ करना है, ये सोच कैसे? देखिए बात, मैं यदि ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि लोगों के लिए कुछ करना है, ये सब उस समय इतना सारा थॉट था। बट हाँ, दो एक चीज़ें थी। एक तो कुछ मुद्दे बहुत परेशान कर रहे थे, तो जैसे कपड़े का इशू मुझे बहुत परेशान कर रहा था, बिकॉज मेरे अपने जर्नलिज्म के दिनों में मेरी मुलाकात हबीब भाई से हुई थी जो डेड बॉडीज़ उठाते थे। वो स्टोरी बहुत कॉमन है कि कैसे उनकी बेटी ने कहा कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ, जो मेरे लिए अनइमेजिनेबल था। और मैं बहुत टाइम तक उस चीज़ को समझ नहीं पाया कि ये है क्या, मतलब, क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस में तो डेड बॉडीज़ कोल्ड होती हैं, क्योंकि हम कंपल्शन नहीं समझ रहे थे किसी भी तरह। तो उस तरह का कुछ 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 होता रहा और ये लगा कि अब, और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट के जॉब में PPT बना के थोड़ा परेशान हो गया था और काले जूते और टाई समझ नहीं आ रही थी। तो ये सब ऐसा हुआ कि अब इसको छोड़ना है। मुझे लगता है मेरा बड़ा डिसीजन शायद ये रहा होगा कि अब जॉब और अप्लाई नहीं करना है। छोड़ना तो एक बात है, बट अब और अप्लाई नहीं करना है और इस अननोन टेरिटरी में थोड़ा सा निकलना है। जैसे कि आप बोल रहे थे कि आप मास कॉम के स्टूडेंट हैं, तो अगर आप जर्नलिस्ट होते तो बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोगों के सामने ला सकते थे, दैट वॉज एन अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कि ना मैं इस समय सिर्फ मुद्दों को सामने ला पा रहा हूँ बल्कि उस पर बहुत कुछ कर भी पा रहा हूँ। अब तो हर एक प्रोफेशन के अपने प्लस माइनस होते हैं और हर एक प्रोफेशन में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो यदि मैं जर्नलिस्ट होता तो शायद मुझे वहाँ भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। यदि मैं चाहता कि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले और मैं अच्छे इंटेंशन से करता, और ये भी एक अच्छा मौका मिला ज़िंदगी में जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है, ना पूरे ख़ानदान में किसी को नहीं पता था। मैं तो हार्डकोर इंजीनियर्स की फैमिली से आता हूँ और उसमें क्योंकि करते रहे और डीप जाते रहे तो कुछ करने का मौका मिल रहा है। देने वाला और लेने वाला के बीच जो दूरियां हैं, आप हमेशा उसको मिटाना चाहते हैं, क्या लगता है आपको कुछ कामयाबी मिला है? क्योंकि आपका जो सोच है कि ऐसे डोनेट का वर्ड आप यूज़ ही नहीं करते। क्योंकि देने वाला, लेने वाला, डोनर, बेनिफिशरी बहुत गलत थॉट्स हैं, सिर्फ शब्द नहीं है, बहुत गलत थॉट्स हैं। आपके लिए शब्द क्या है? मैं कहता हूँ स्टेक होल्डर हैं, वो भागीदार हैं, वो हर एक चीज़ के भागीदार हैं। आप मुझे एक बार बताइए, हम लोगों का जो काम शुरू हुआ था वो कपड़ों से शुरू हुआ था, अभी तो बहुत कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें हो रही हैं। हम लोग अपना पुराना सामान देकर अपने को डोनर कैसे बोल सकते हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम डोनेट कर रहे हैं कि हम डिस्कार्ड कर रहे हैं? हम तो दे रहे हैं, और हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको नहीं चाहिए। मुझे ये बताइए कि यदि हमारे कंट्री में वो लोग ना होते जो इसको दोबारा यूज़ कर पाते, तो हम उस सामान का करते क्या, या क्या कर पा रहे हैं? हम पुराने कपड़े का क्या करेंगे कोई? यदि, और यदि हम कुछ कर पाते तो सडनली एक डिज़ास्टर में इतने ट्रक के ट्रक निकल के क्यों आता है? क्योंकि वो हमारे घर में फालतू पड़ा है। तो इसलिए हमको उस डोनर माइंडसेट से हटना चाहिए। हमें ये मान के चलना चाहिए कि वो जो लोग जिनके लिए हम थोड़ा सा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोचिए वो कितना कुछ देते हैं। वो आपको अपनी लाइफ में जगह देते हैं, आपके सामने अपनी लाइफ पूरी खोल के रख देते हैं। आप उनके गांव में जाते हैं तो वो मालाएं पहनाते हैं, नारियल के पेड़ पे चढ़ के नारियल आपके लिए लाते हैं, आपके साथ समय बिताते हैं। उनकी लाइफ तो सुबह से शाम तक उतनी बिजी है, उसके बाद भी मेरे जैसे अजनबी के लिए वो पूरे दिन वेट करते हैं। हाँ। और दालमा खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं, सब कुछ खिलाते हैं। तो कौन है गिवर, कौन है? मैं किस हद से कहूँ कि मैं गिवर हूँ? जस्ट बिकॉज मैं कुछ सामान लेके चला गया तो मैं गिवर हो गया? समय बहुत कीमती है, विश्वास बहुत कीमती है, किसी पे भरोसा करना बहुत कीमती है, वो तो वो लोग दे रहे हैं। तो इसलिए जो डोनर बेनिफिशरी वाला शब्द है, ये मुझे लगता है कि बहुत गलत है। यदि मेरे सामान का या मेरे पैसे का कहीं पे अच्छा यूज़ हो पाया तो बेनिफिशरी तो मैं भी हूँ, बेनिफिट तो मुझे भी हुआ।